नमस्कार, आप देख रहे हैं एनवी न्यूज और आपके साथ मैं हूं रिंचन। शुरुआत करते हैं इस वक्त की कुछ बड़ी खबरों से। लोहारू में प्रदेश के कृषि और पशुपालन मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा कि 7 मार्च को कैरू में होने वाली सीएम की रैली ऐतिहासिक होगी और विकास को चाहने वाला हर व्यक्ति रैली में शिरकत करेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार प्रत्येक वर्ग के हित के काम कर रहे हैं और भ्रष्टाचार मुक्त शासन जनता को दिया गया है। उन्होंने कहा कि रैली को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। कृषि और पशुपालन मंत्री जयप्रकाश दलाल कैरू में 7 मार्च को प्रस्तावित मुख्यमंत्री मनोहर लाल की रैली की तैयारियों को लेकर लोहारू के बहल ब्रह्मदत्त मेमोरियल हॉल में लोहारू हलके के कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री बेदाग छवि के नेता हैं और हर वर्ग के हित के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रैली को लेकर हर कार्यकर्ता का दायित्व है कि आमजन को इसके बारे में अवगत करवाया जाए और विकास परक रैली में लेकर आए। इस मौके पर सीएम के ओएसडी अजय गौड़ भी साथ थे। हमारे मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम 7 तारीख को कैरू के अंदर सुबह 10:30 बजे हमारे जिले के सभी लोगों के लिए, चारों हलकों के लिए मांग पत्र दिए जाएंगे, सबकी मांग करेंगे। लोहारू के हलके में बड़ा ज़बरदस्त उत्साह है और हजारों की तादाद में लोहारूवासी कैरू पहुँचेंगे, ऐसा उन्होंने मुझे आश्वासन दिया।